अलवर ब्रज भूमि कल्याण परिषद 28 अगस्त को हरियाणा के नूह के लिए नलहड़ के शिव मंदिर में जलाभिषेक यात्रा लेकर जाएगी। यह यात्रा अलवर के महाराजा भरतहरि की तपोस्थली से गोमुख से शुद्ध जल लेकर नूह के लिए निकाली जाएगी। इस संदर्भ में ब्रज भूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया, 31 जुलाई को नूह में हुए दंगों की वजह से जलाभिषेक कार्यक्रम अधूरा रह गया था, इसलिए इसे पूरा करने के लिए हरियाणा के पलवल में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें तय किया गया था कि 28 अगस्त को इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए सभी हिंदूवादी संगठन 28 अगस्त को सुबह यहां से जलाभिषेक यात्रा लेकर रवाना होंगे। उन्होंने बताया, 28 अगस्त को सुबह 7 बजे अलवर से रामगढ़ होते हुए नूह के नलहड़ के लिए जलाभिषेक यात्रा निकाली जाएगी, जिसके लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित जिला प्रशासन से सुरक्षा की मांग की गई है। 31 जुलाई को हमारी यात्रा निकली थी नल्लड़ मंदिर नूह में, और वहां पर पत्थरबाजी हो गई थी, हमारी यात्रा अधूरी रह गई थी, जलाभिषेक यात्रा अधूरी रह गई थी। तो उस जलाभिषेक यात्रा को पूरी करने के लिए पलवल में बैठक हुई थी और ये निर्णय हुआ था 28 अगस्त को जो है समस्त हिंदू समाज और तमाम संगठन इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। जलाभिषेक यात्रा को अलवर से ब्रजभूमि कल्याण परिषद इस यात्रा को लेकर के जा रही है। भर्तृ जी से गौमुख से पवित्र जल लेकर आएंगे और 28 तारीख प्रातः 7 बजे यहां से रामगढ़ नौगावा होते हुए और नल्लड़ हम प्रस्थान करेंगे नूह में और वहां पर जलाभिषेक करेंगे। तो ये पुलिस प्रशासन, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सबको हमने सुरक्षा के लिए पत्र दिया है कि हमें सूचना दे रहे हैं, हमने कोई परमिशन नहीं मांगी है, हमें अपने धार्मिक आयोजन के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। हम तो सूचना दे रहे हैं कि हमें सुरक्षा प्रदान करें और हम तो जाएंगे। 100, 200, 500, 1000 की संख्या जितनी भी हो जाएगी हम लेकर के यात्रा को जाएंगे, बसों में, गाड़ियों में, जीपों में और मोटरसाइकिलों में। मैं डॉक्टर पंकज गुप्ता, राष्ट्रीय संयोजक ब्रज भूमि कल्याण परिषद।